नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। क्या चुनाव आयोग मोदी सरकार का गुलाम बन गया है? क्या चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधता है? क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन के रह गया है? यानी कि चुनाव आयोग और संबित पात्रा में कोई फर्क नहीं रह गया है? ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। तेरे आज ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अब तक का सबसे गंभीर सवाल उठाया है। तीन मुद्दे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में उठाए हैं, वो तीन मुद्दे क्या हैं, एक एक करके मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें चाहिए एक ऐसा चुनाव आयुक्त, ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त जिसे मोदी सरकार बुलडोज ना कर सके। सरल शब्दों में, एक ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे केंद्र सरकार बुलडोज ना कर सके, यानी कि अपनी मनमानी ना करवा सके। मुद्दा नंबर दो, यह भी कहा गया कि हमें चाहिए TN सेशन जैसा चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन जैसा, जो 1990 से 1996 के बीच चुनाव आयोग के प्रमुख थे। नंबर तीन, और यह बहुत अहम बात है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में जो पैनल होता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश का रहना जरूरी है ताकि निष्पक्षता से मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव हो सके। इन तीनों बातों पर बारीकी से गौर कीजिएगा दोस्तों, खासकर तीसरे बिंदु पर। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो उसमें खुद उस पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है कि पिछले कुछ अरसे से, खासकर 2014 के बाद से लेकर अब तक, ऐसे ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त आए हैं जो मोदी सरकार के समर्थक रहे हैं। यह चिंता सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से जतला रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका आई थी दोस्तों, 5 जजों की खंडपीठ बैठी थी। जी हां, 5 जजों की खंडपीठ, और उसमें कौन कौन थे कुछ देर बाद। मगर आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह क्यों रहा है। तो मैं आपको बहुत दूर नहीं, हाल ही के दिनों की तरफ लेकर चलना चाहता हूं। इस वीडियो पर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बच्ची बैठी हुई है और वो बच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रही है। आपको याद है कुछ दिनों पहले नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन के प्रमुख प्रियांक कनुंगो, उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग को शिकायत की थी कि भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। जबकि राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक नहीं है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर एक बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां देखकर उसको मुस्कुरा रहे हैं और वो बच्ची कह रही है भाजप भाजप भाजप, खुलेआम ऐसा हो रहा है दोस्तों, कोई सवाल नहीं कर रहा है इस पर। सबसे शॉकिंग बात यह है, और मैंने इस बात का जिक्र कल भी अपने शो में किया था, कि मीडिया, जिसे कायदे से इस वीडियो पर सवाल उठाने चाहिए, वो खुद मोदी सरकार के लिए वोट मांग रहा है। मसलन आप देखिए दोस्तों, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का यह एंकर भी उसी वीडियो को डालकर लिख रहा है बीजेपी बीजेपी बीजेपी, यानी भाजप भाजप भाजप। इस पत्रकार में और एक ऐसे शख्स में जो बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है कोई फर्क नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तमाम चीजें जो सामने उभर कर आ रही हैं, क्या इस पर चुनाव आयोग को एक्शन नहीं लेना चाहिए? अब इस घटनाक्रम को जोड़ के देखिए जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जो अभी अभी मैंने आपको सुनाई। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट चिंतित दिखाई दे रहा है, यही वजह है कि 5 जजों की खंडपीठ इस मुद्दे पर बैठी है और अपनी बात रख रही है। कांग्रेस नाराज है, कांग्रेस ये साफ तौर पर कह रही है कि राहुल गांधी पर तो आप निशाना साधते हैं, मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम
चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, इन पर कोई सवाल नहीं है। सुप्रिया श्रीनीत ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं, क्या कह रही है वो पत्रकार वार्ता में, आइए सुनते हैं। प्रियांक कानूनगो नाम के एक व्यक्ति हैं जो NCPCR द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के हेड हैं, जो शाखा से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और जब गैर राजनीतिक यात्रा में बच्चे ललक के राहुल जी के साथ आ रहे थे और ना राजनीति की कोई बात हो रही थी ना वोट की कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़े तगड़े से इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी और इलेक्शन कमीशन ने फिर उसको उनके बोला ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं, आपको जो करना है इस पे करिए, आप मुंह की खानी पड़ी थी। प्रियांक कानूनगो आज कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं ये हम जानना चाहते हैं। एक छोटी सी बच्ची को वोट मांगने के लिए उकसाया जा रहा है और वो वहां पर प्रधानमंत्री के बगल में खड़े होकर विशुद्ध राजनीतिक काम उससे कराया जा रहा है और प्रियांक कानूनगो कहीं खोते से लग रहे हैं, कहीं सो गए, किस खो में घुस गए, क्या उनके अंदर दम नहीं है, क्या उनको डर लग रहा है या आंखों पे पट्टी बांध लिए, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ये होता है अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन कि उनको विशुद्ध राजनीतिक कारणों के लिए रैली में वोट मांगने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है अब्यूज ऑफ चाइल्ड राइट्स। इस पर NCPCR को जगना चाहिए, लेकिन आंखों पर पट्टी तो ऐसी बंधी है और कुंभकर्ण की नींद ऐसी सोए प्रियांक कानूनगो जी कि अभी ट्विटर पर दिख नहीं रहे हैं। तो ये तो थी सुप्रिया श्रीनीत। दोस्तों, दुख की बात यह है कि केंद्र सरकार में चाहे मंत्री हो चाहे भाजपा के नेता, उन्हें इस बात की बिल्कुल भी शर्म नहीं है, उल्टा ऐसा लग रहा है वो ठेंगा दिखा रहे हैं देश को और चुनाव आयोग की कि तुमसे जो मर्जी बन पड़ता है तुम कर लो। मसलन संबित पात्रा तो ये तक कह रहे हैं अपने इस बयान में कि एक दिन के लिए एक लड़की ने हमारा चुनावी प्रचार जो है संभाल लिया है। ये तो दो तीन कदम और आगे चले गए हैं, इस तरह से ठेंगा दिखा रहे हैं चुनाव आयोग को कि जो मर्जी कर सकते हो कर लो। धर्मेंद्र प्रधान इसमें महानता बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मैं इस देश की जनता से सवाल पूछना चाहता हूं, इसमें महानता कहां से आ गई? धज्जियां उड़ाई जा रही है चुनाव आयोग की, मगर ये पहली बार नहीं है। इन दो चेहरों पर फिर से गौर कीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह। 2019 के लोकसभा चुनावों की तरफ चलिए। आपको याद होगा उससे कुछ दिनों पहले पुलवामा में क्या हुआ था, बालाकोट में उसकी जवाबी कार्रवाई हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम कह रहे थे देश की जनता से कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा की शहादत पर मिल सकता है क्या, जबकि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा था कि पुलवामा का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर नहीं होगा। अमित शाह, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि राहुल गांधी इसलिए चले गए वायनाड चुनाव लड़ने क्योंकि वहां ज्यादातर मुसलमान हैं, यानी कि धर्म का इस्तेमाल। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि इन चुनावों में धर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में अपनी चुनावी सभा के दौरान बाबर का जिक्र किया, राम जन्मभूमि का जिक्र किया, खुलेआम भड़काऊ बयान दिया दोस्तों, मगर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है, कुछ नहीं कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है। धर्म के नाम पर साफ तौर पर वोट मांगा जा रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, मगर पूरी तरह से चुनाव आयोग खामोश है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने बयान में क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दखल होगा। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में दरअसल पूरी कार्रवाई क्या हुई, क्योंकि इस पर गौर करना बेहद जरूरी हो जाता है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों एक एक बातें एक एक करके आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि जमीनी स्थिति खतरनाक है और वो दिवंगत TN सेशन जैसा CEC चाहता है, जिन्हें 1990 से 1996 तक चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण चुनावी सुधार लाने के लिए जाना जाता है। 6 साल तक TN सेशन जो हैं, वो देश के CEC थे, चुनाव आयोग के CEC थे दोस्तों। और हो क्या रहा है पिछले आठ सालों से यह हो रहा है कि जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त लाया जाता है उनमें से किसी ने भी अपने 6 साल पूरे नहीं किए। TN सेशन ने पूरे 6 साल पूरे किए थे,
मगर 2014 के बाद ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मोदी सरकार ऐसे ही व्यक्ति को सीईसी बनाता है जिसकी रिटायरमेंट की उम्र के कुछ ही साल रह गए हों, ताकि कोई एक व्यक्ति वहां ना बैठ जाए और वो अपनी बात अपनी मनमानी ना कर सके। दूसरी बात जो सामने उभर कर आती है आपके स्क्रीन पर, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रणाली में सुधार की मांग करने वाली एक याचिका पर न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही थी। और ये 5 लोग कौन कौन हैं, एक एक करके स्क्रीन पर आपके नाम आ रहे हैं दोस्तों। इस पीठ में जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सीटी रवि कुमार शामिल हैं। पीठ ने कहा कि उसका प्रयास एक प्रणाली को स्थापित करना ताकि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को सीईसी के रूप में चुना जा सके। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पर यहां जोर दिया जा रहा है और सरकार ने इसका क्या जवाब दिया। सरकार कह रहा है कि पहले से प्रणाली है। अरे भाई, अगर पहले से प्रणाली है तो मुझे बताइए ना कि भाजपा जब भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाती है तो यह चुनाव आयोग खामोश क्यों रहता है। मोदी सरकार क्या कह रहा है दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सरकार के वकील ने कहा कि सरकार योग्य व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध नहीं करने जा रही, लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि संविधान में कोई रिक्तता नहीं है। वर्तमान में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ली जाती है। यह तमाम बातें सरकार की तरफ से कही गई हैं, मगर हकीकत यह है दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया के बावजूद देश में आज एक ऐसा चुनाव आयोग है जो विपक्ष पर तो सवाल उठाता है, मगर जब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई गलती होती है कोई सवाल नहीं उठाया जाता। और अगर कोई गलती से सवाल उठाता है, मसलन अशोक लवासा चुनाव आयुक्त थे, 3 लोगों में से एक थे ये, और जब इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सवाल उठाया था तो आपको याद होगा दोस्तों इसका क्या असर पड़ा था। उनके परिवार के कई सदस्यों पर इनकम टैक्स की रेड मारी गई थी। यह बात अलग है कि बाद में वो दोषमुक्त साबित हो गए थे। इस तरह से टारगेट किया गया था एक चुनाव आयुक्त को जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सवाल उठाए थे। ये तमाम मुद्दे हैं जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इन सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मेरा यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मुद्दे की जो सुनवाई हुई है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीडिया ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, इसका पूरा ब्लैकआउट चल रहा है, मगर न्यूज क्लिक पर हम आपके सामने यह मुद्दा ला रहे हैं क्योंकि बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर चुनाव आयोग ही नहीं रहेगा, जो कि है नहीं, तो फिर डेमोक्रेसी का क्या फायदा, चुनावों का क्या फायदा। वैसे भी आप जानते हैं एक एक करके जो संस्थाएं हैं सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खैर, मगर इस मंच पर हम सवाल उठाते हैं दोस्तों, सवालों से बचते नहीं और खासकर उन लोगों को छोड़ते नहीं हैं जो सवालों से दौड़ते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।